अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी tally.erp9 उपयोग कर रहे हैं, यानी जिनके कंप्यूटर में अभी tally.erp9 इंस्टॉल्ड है और भविष्य में वे टैली प्राइम उपयोग करना चाहते हैं। इस संबंध में हम आपके लिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें से ये पहली है। इस वीडियो में हम टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताएंगे। इन वीडियोस के बाद हम टैली प्राइम सिखाने के लिए शुरू से पूरी वीडियो सीरीज बनाएंगे। तो चलिए, टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करने के पहले आपको टैली प्राइम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। टैली प्राइम का सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था और ये अब बिल्कुल नए लुक में आ गया है। आप tally.erp9 के बारे में तो जानते ही हैं, और यहाँ हम आपको बता दें कि tally.erp9 की तुलना में टैली प्राइम में सभी ऑप्शंस पर पहुंचना बहुत ही आसान कर दिया गया है। साथ ही tally.erp9 में आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए कई स्टेप्स पार करनी होती थी, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन गो टू दिया गया है। आप टैली में भले ही कोई सा भी काम कर रहे हो, आप उस काम को बंद किए बिना ही गो टू फीचर की सहायता से सीधे कोई सी भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ध्यान रखें, टैली प्राइम सिर्फ 64 बिट वाला विंडोज 7 या उसके बाद वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। इसलिए अपने सिस्टम पर इसे डाउनलोड करने के पहले अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं, उसकी कई वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगी। और यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर सप्लायर से इसे अपग्रेड करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, tally.erp9 बंद नहीं हो रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसे अपग्रेड नहीं कर लेते। टैली प्राइम के प्रायः सभी ऑप्शंस भी वही हैं जो tally.erp9 में थे, सिर्फ उन्हें एक्सेस करने का तरीका यानी उन तक पहुंचने का तरीका सरल कर दिया गया है और कुछ एडिशनल फीचर्स और जोड़े गए हैं। और इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज में जरूर परिवर्तन किए गए हैं, जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे। एक बात ध्यान रखें, कभी भी बेसिक अकाउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यदि आपको tally.erp9 पर काम करना आता है, तो टैली प्राइम को बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी तो ये tally.erp9 से भी सरल है। हमारा आपसे निवेदन है कि अभी आप tally.erp9 को सीधे टैली प्राइम में अपग्रेड ना करें। कंप्यूटर में tally.erp9 को भी रहने दें और टैली प्राइम को नए पाथ पर इंस्टॉल कर लें। तो चलिए, टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम में टाइप कर रहे हैं डाउनलोड टैली प्राइम। अब एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ टैली की ऑफिशियल वेबसाइट tallysolutions.com दिखाई पड़ रही है, इस पर क्लिक करें। देखिए, वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। पर सेटअप डाउनलोड करने से पहले यहाँ नीचे लिखे नोट पर ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि टैली प्राइम विंडोज 7 या उसके बाद वाले विंडोज को ही सपोर्ट करेगा और इनमें भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। यदि आप आवश्यक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ हियर पर क्लिक करें। चलिए, अब डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, सेटअप डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब हमें टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए सेटअप पर डबल क्लिक करना होगा। सेटअप पर डबल क्लिक करते ही हो सकता है इस तरह की विंडो आए, जिसमें सेटअप को रन करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जा रही हो। हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही टैली प्राइम सेटअप मैनेजर की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें यह लिखा होगा कि आपके सिस्टम में अभी tally.erp9 का कौन सा वर्जन है और वो टैली प्राइम के कौन से वर्जन से अपडेट होने वाला है। इसमें नीचे टैली प्राइम जहां पर इंस्टॉल होगा वो पाथ भी दिखाई दे रहा है। ये वही पाथ है जहां tally.erp9 पहले से इंस्टॉल्ड है। यदि आप यहां अपडेट पर क्लिक कर देंगे, तो tally.erp9 टैली प्राइम में अपडेट हो जाएगा। पर यहां पर हमारा सुझाव ये है कि
अभी आप टेली ईआरपी 9 को टेली प्राइम से अपडेट ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो टेली ईआरपी 9 खुद ही समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर टेली प्राइम आ जाएगा। इसलिए आपको टेली प्राइम को इस डिफॉल्ट पाथ की जगह पर किसी और पाथ पर इंस्टॉल करना चाहिए। ऐसा करने से आप टेली ईआरपी 9 और टेली प्राइम दोनों सॉफ्टवेयर का यूज कर पाएंगे। पाथ चेंज करने के लिए मोर एक्शंस पर क्लिक करें। यहां पर पहला ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू, इस पर क्लिक करें। इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करते ही देखिए टेली प्राइम के लिए एक नया पाथ बन गया है और जहां पहले tally.erp9 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था वहां पर टेली प्राइम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप इस पाथ पर टेली प्राइम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल पर क्लिक करें और यदि आप कोई दूसरा पाथ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए कॉन्फिगर पर क्लिक करें। यहां से आप पाथ बदल सकते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं। यहां हम इंस्टॉल पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और देखिए कुछ ही समय में टेली प्राइम इंस्टॉल भी हो गया है। यहां एक मैसेज भी दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है कि हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। यहां हम स्टार्ट टेली प्राइम पर क्लिक करके भी टेली प्राइम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमें एक सुंदर सा एनिमेटेड लोगो दिखाई दे रहा है। ये देखिए टैली ओपन होते ही लाइसेंस की एक नई विंडो आ गई है जिसमें नीचे लाइसेंस से संबंधित विभिन्न ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी हम आपको इनके बारे में संक्षेप में बता रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आपको लाइसेंस के बारे में विस्तार से समझाएंगे। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इसकी सहायता से आप टैली का मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड वर्जन जिसमें हम एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर्स का उपयोग कर सकते हैं उसके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपने नया लाइसेंस खरीदा है तो उसे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूजर यानी सिल्वर लाइसेंस है तो उसे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस की मदद से रीएक्टिवेट कर सकते हैं और यदि आप इसे एजुकेशनल मोड में ही उपयोग करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर माउस से क्लिक करें या कीबोर्ड पर टी की प्रेस करें। इस मोड का उपयोग आप निशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। बस एक खास बात का ध्यान रखें, एजुकेशनल मोड में प्रैक्टिस करते समय केवल 3 तारीखों में ही काम कर सकते हैं और ये तारीख है 1, 2 और 31। एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करते ही दिखाई पड़ रहे पाथ पर आपके tally.erp9 में जो कंपनीज बनी हुई होंगी उनमें से एक कंपनी जिसका नाम ऊपर दिखाई पड़ेगा इसको माइग्रेट करने के लिए पूछा जाएगा। यदि आप इसे tally.erp9 से टेली प्राइम में लाना चाहते हैं यानी माइग्रेट करना चाहते हैं तो माइग्रेट पर क्लिक करें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे। देखिए ऐसा करते ही हम सिलेक्ट कंपनी की स्क्रीन पर आ गए और जैसा कि आप देख रहे हैं tally.erp9 में हमने जो कंपनीज बनाई हुई है उनके नाम भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और उनके आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि अभी आप टेली प्राइम में क्रिएट कंपनी ऑप्शन से नई कंपनी बनाएं और उस पर पहले अच्छी तरह से काम करना सीख लें। उसके बाद tally.erp9 में जो कंपनीज बनी हुई है उन्हें माइग्रेट करें। जब तक आप इन कंपनीज को माइग्रेट नहीं कर देते तब तक उन कंपनीज के आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड का मैसेज आता रहेगा, पर उससे कोई परेशानी नहीं है। ध्यान रखें माइग्रेट करने के बाद ही आप इन कंपनीज को टेली प्राइम में उपयोग कर पाएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लाइसेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे और उसके बाद वाली वीडियो में किसी कंपनी को माइग्रेट कैसे करते हैं ये बताएंगे। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के काम की है जो अभी tally.erp9 पर काम कर रहे हैं और अब टेली प्राइम पर काम करना चाहते हैं। इन वीडियोस के बाद हम टेली प्राइम पर काम करना सिखाएंगे।